जिले में संपर्क नहीं हो पाता। खरगोन जिला मुख्यालय पर पुलिस द्वारा बैंकों का औचक निरीक्षण किया गया। वहीं बैंक निरीक्षण के दौरान आर्म गार्ड की सुरक्षा और बंदूक अनलोडेड पाई गई, जिस पर खरगोन टीआई ललित सिंह डागोर ने बैंक मैनेजर्स को तत्काल सुरक्षा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए निर्देश दिए। आपको बता दें, खरगोन में कुल 22 बैंकों और स्मॉल फाइनेंस शाखाओं में पुलिस ने निरीक्षण किया। सुरक्षा में कमियां पाई जाने पर उचित दिशा निर्देश भी जारी किए। आज पुलिस अधीक्षक महोदय खरगोन के आदेश प्राप्त हुए थे कि जितने भी शहर के बैंक हैं और ऐसे प्रतिष्ठान जिनमें रुपयों का लेन देन होना हो, उनकी चेकिंग करना है। उसके लिए हमने अलग अलग टीमें बनाई हुई हैं। मैं खुद भी उसकी चेकिंग के लिए निकला हूँ। बैंकों में हमने शुरू से ही ये जानकारी दी हुई है कि वो अपने अलार्म सिस्टम, बैंक गार्ड जो सुरक्षित करने के लिए हम मुस्तैद हैं, वो आर्म्ड रहने चाहिए। इसके अलावा उनके CCTV कैमरे या दूसरे बैंक के सुरक्षा संबंधी जो भी व्यवस्थाएँ वो ठीक रहें, इसके लिए उनको लगातार हम लोग हिदायत दे रहे हैं। आज हमने बैंक के आसपास बैठने वाले लोगों का निरीक्षण किया, जो किसी वाजिब कारण से वहाँ बैठे हैं या संदिग्ध टाइप के लोग हैं, ऐसे कुछ लोगों को हमने थाने भी भिजवाया है। बैंक के अंदर भी हम थोड़ा उन लोगों की चेकिंग कर रहे हैं कि बैंक के काम से आएँ या फालतू संदिग्ध व्यक्ति हैं। ये अभियान लगातार चलता रहेगा और हम बैंकों की सुरक्षा के लिए वहाँ के जो उत्तरदायी लोग हैं उनसे भी हम पूछताछ करते रहेंगे कि वो प्रॉपर गार्ड्स को चेक करते रहें और हमारा स्टाफ भी लगातार चेक करता है। सर, SBI में गार्ड की बंदूक खाली मिली? SBI गार्ड और उनके मैनेजर को हिदायत दी गई है कि वो अपने आम लाइसेंस है तो आम भर के रखें और ताकि वो आवश्यकता पड़ने पर उसका इस्तेमाल कर सकें। पुलिस अधीक्षक महोदय का आदेश था कि आज सारे बैंक चेक किए जाएँ, वो प्रतिष्ठान जिनमें कैश का लेन देन होता है वो चेक किए जाएँ, उसी का एक अभियान चला रहे हैं हम लोग और ये सतत चलता रहेगा रूटीन में। देखिए, पिछले दिनों कुछ घटनाएं हुई हैं। इसमें एक तो अपने यहाँ अटेम्प्ट हुआ था, जबलपुर में हुआ है, हमारे पड़ोसी जिला जो है महाराष्ट्र का, वहाँ भी बैंक में लूट की घटनाएं का प्रयास हुआ है। उसके बाद से हम लोग ये नियमित जो चेकिंग रूटीन में होनी चाहिए पुलिस की बैंक में जाके, इस टाइप का आज ये प्रयास किया गया है। इसको हम पहले भी कर रहे हैं, लेकिन आज एक साथ पूरे ज़िले में सारे बैंकों में पुलिस वाले जाके उनसे संपर्क कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, CCTV देख रहे हैं, आसपास के जो लोग खड़े हैं, जो वहाँ गुमटी बनी है या जो बैंक के अंदर लोग हैं वो किन कारणों से हैं, जिससे एक तो लोगों में सिक्योरिटी की भावना आएगी और दूसरा जो क्रिमिनल लोग हैं वो इससे भयभीत होंगे और ये जगह छोड़ देंगे या अपना क्राइम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक प्रिवेंटिव एक्शन है और पुलिस इसको नियमित रूप से करेगी। सर, चेकिंग के दौरान बैंक गार्ड की गन खाली मिली, TA साहब ने उनको हिदायत भी दी है, उस पर किस तरीके कार्रवाई होगी? क्या है कि ये चेकिंग इसीलिए कर रहे हैं, कई कमियां ऐसी मिलेंगी जो हम समय रहते दूर कर सकते हैं। तो अगर ये हम रूटीन में चेकिंग करते रहेंगे तो ऐसी जो कमियां परिलक्षित होंगी उनको हम दूर करेंगे, जिससे कोई घटना ना घटे। शहर का बड़ा बैंक है, ज़्यादा भीड़ रहती है, SBI बैंक है, जिसमें 3 गार्ड थे, तीनों गार्डों की गन खाली मिली। बिल्कुल, तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि हमारा चेकिंग का उद्देश्य ही यही है कि जो गार्ड हैं, जो CCTV हैं, कई जगह CCTV काम नहीं, CCTV काम सही कर रहे हैं, गार्ड सही काम कर रहे हैं, दूसरे जो रूटीन पुलिस की चेकिंग होनी चाहिए वो हो रही, तो ये हम अगर नियमित रूप से करते रहेंगे तो ये सारी कमियां हम दूर कर लेंगे और बैंक को सुरक्षित रखेंगे। सर, ज़िले की ज़्यादातर ATM जो है वहाँ सुरक्षा गार्ड नहीं रहते हैं, इसमें क्या है? इसमें हमने इनसे चर्चा की थी, इनके अपने रूल्स हैं, हमने रूल्स की कॉपी बुलवाई थी कि किन ATMs में किन जगह पे ये गार्ड रखते हैं, किन जगह पे नहीं रखते हैं। इनका ATM की सुरक्षा को लेके कॉन्ट्रैक्ट होता है बैंक का, तो कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में ये रहता है कि इनको गार्ड रखना है नहीं। हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, हमने पत्राचार भी किया है, हमने बैंक के जो ऑफिसर्स हैं उनकी मीटिंग भी ली है, उनसे हमने चर्चा की है कि कम से कम हर ATM पे गार्ड होना चाहिए, तो वो भी कोशिश करेंगे कि गार्ड हो जाए। सर, आमतौर पर ATM पे ये देखा जाता है कि जैसे एक पैसा निकालने गया ग्राहक, उसके अलावा अन्य ग्राहक भी आसपास सब खड़े हो जाते हैं और वही पासवर्ड भी देखते हैं, उसकी कोई सुविधा इस तरह की नहीं रहती। देखिए, क्या है कि ये बिल्कुल सही है किस तरह से होता है, इसीलिए लोगों को जागरूक करने के लिए बैंक वाले भी करते हैं, हमारा जो पुलिस वाला जाता है ATM में चेक करने के लिए उसको भी हम लोग यही निर्देशित करते हैं कि जिनका पैसा निकल रहा हो वही लोग करें, दूसरे लोग उसके अंदर ना प्रवेश करें, तो ये कोशिश। और इसके लिए लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है, तो पुलिस भी जाती है और आपके मीडिया के माध्यम से भी कह रहे हैं कि भाई जिसको पैसा निकालना है, जिसका टर्न, वही अंदर जाए, शेष लोग ना जाएं,
और दूसरे अगर कोई है भी तो कम से कम उससे सजेशन ना ले।